आखिरी बचा है शायद से। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how? Putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me. तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्टार्टिंग है वो पसंद आई होगी। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मेरे भाई हम दोनों जन जो है अलग अलग लैंड क्यों कर रहे हैं, साथ में लैंड क्यों नहीं कर रहे, मेरे टीममेट काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे से। तो सीन यहाँ पर ये हुआ था कि जैसे ही पैराशूट हमने खोला, मतलब प्लेन से जैसे ही कूदे, मेरा टीममेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। फिलहाल इस पूरे सी बिल्डिंग में जो एक पूरा स्क्वाड था जिसका एक बंदा मेरे नीचे था, मतलब मेरे घर के नीचे था, और एक जो बंदा है वो उस बिल्डिंग के छत के ऊपर था जिसको हम नॉक कर देते हैं। और एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी कि पबजी वालों ने जो ये अपडेट के अंदर ये जो चीज़ लाई है ना, तो इसमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगता है? वो एयर वाला जो सामने जो गुब्बारे सा लग रहा है वो वाला आपको बढ़िया लगता है, फिर वो जो मैग्मा वाला है जो रोलर की तरह घूमता चलता है, या फिर आइस वाला जो मेरे पास है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ? तो भाई मेरे को सबसे बढ़िया लगता है आइस वाला, क्योंकि भाई वो दीवार बहुत यूज़फुल है। और ये ग्लेशियर वाली जो चीज़ है ना आइस वाले में, ये देखो भाई क्या ही जेड सीज है। भाई ऐसा कैंपर तो मैंने नहीं देखा कि उसके सामने उसका टीममेट नॉक फिनिश हो रहा है, उसकी टीममेट की जो है पेटी लूटे जा रही है, और फिर भी बंदा जो है फायर नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन रिवील नहीं कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। गंदे लेवल का कैंप किया इसने। छोड़ो, इसका जो लास्ट टीममेट बचा था लास्ट पूरे टीम का, ये था भाई आखिरी बंदा जिसको हम अभी फिनिश कर देते हैं। इसका नाम था भाई भोकाल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ पर एक और पूरा की पूरा जो स्क्वाड है वो आ जाता है हमसे फाइट लेने के लिए। तो भाई अपन क्या करते हैं, बूस्टर वूस्टर लगाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये जो राइट वाली बिल्डिंग है ना यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाके उनके पास फाइट लेंगे। लेकिन यहाँ पर सीन एक होता है कि बंदों ने भी यही सोचा था, तो बंदे भी इसी बिल्डिंग में आते हैं, हम भी इसी बिल्डिंग में आते हैं। और यहाँ पर सीन एक होता है कि एक जो बंदा है उनके टीम का वो चला जाता है छत के ऊपर, तो मेरा टीममेट चिल्लाता है कि भाई जल्दी अंदर आओ, छत पर बंदा है उसको मस्त एंगल मिलेगा अपने पे, तो दोनों की पीटी यहीं पे बन जाएगी, तो अंदर आ जाओ। मैं मेरे टीममेट को तो भाई कोने में डूबे रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई सिचुएशन को हैंडल करना था। और गंदे लेवल का जो है हम यहाँ पर अटक गए थे भाई, चारों तरफ से बंदे। अब बचा था भाई लास्ट बंदा। भाई इन चारों को ना जो गलत निपटाया ना, उस चीज़ के लिए चाहिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब दोनों भी। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे भाई देखो वो बॉट छोड़ दिया अपन ने, बॉट मारा नहीं है, ताकि आप सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस देखो सीन ऐसा है, बहुत सारे लोग जो है हमारे वीडियोज़ देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो ये बहुत गलत चीज़ है यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो बस, मज़ा आ जाएगा यार मेरे को इधर, ठीक है ना? तो कर दो यार सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर कर देना अगर आप पुराने नए जो भी सब्सक्राइब हो, लेकिन नोटिफिकेशन को चाहिए ऑल के ऊपर करना मेरे भाई, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में फिलहाल नहीं जा रही है। यूट्यूब जो है हमारे साथ सस्ते वाले नशे कर रहा है। तो जो भी सीन है, यहाँ पर पोचिंग के में फायर हुआ, तो बस यहाँ पर आ जाते हैं फाइट लेने के लिए इनके पास, क्योंकि भाई इन्होंने खुद उंगली की है, गाड़ी का आवाज़ सुन के इन्होंने जो खुद फायर किया, तो बस इनकी जो खुजली है वो मिटाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना भाई आप इज गार्ड हो क्या, नहीं है हम इज गार्ड, लेकिन फिर भी हम खुजली मिटाते हैं। यहाँ पर मेरे टीममेट को बंदा दिखा था थ्री स्टोरी के अंदर, इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ यार। कैंपिंग कैंपिंग ना चल रही हो यार, बहुत डर लगता है। अब मेरे टीममेट ने क्या बोला ध्यान से सुना था ना आपने, ये ले भाई, मतलब भाई मेरे टीममेट ने बोला कि ध्यान से जाना, कैंपिंग कैंपिंग ना चल रही हो, डर लगता है भाई कैंपिंग से। और आगे जाके देखा तो भाई मुंह पे बंदा कैंप कर रहा था।
भाई ये बंदा किस चीज़ का डांस कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया भाई। शायद ये नोरा फतेही का जो है बहुत बड़ा वाला फ़ैन होगा इसलिए भाई डांस कर रहा था कुछ इस तरह से। चलो जो भी सीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको फिनिश कर देते हैं। सामने इस वॉल के पीछे मुझे एक बंदा दिखता है तो जाता हूँ आगे और इसको भी जो है अपन फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पेटियाँ पड़ी, मतलब काफ़ी गंदी वाली फाइट होती पोचिंगी के अंदर भी। वैसे अपन पोचिंगी नहीं उतरे थे लेकिन फाइट जो है पोचिंगी के अंदर भी काफ़ी सही हुई थी, मतलब एटलीस्ट दो तीन स्कॉर जो है पोचिंग की में भी आई थी। यहाँ पर ड्रॉप आ रहा था, ड्रॉप लूटने के लिए अपन जा रहे थे और मैं इमेजिन कर रहा था खुद एक तो ड्रॉप में अपने को ऑम मिलेगी या फिर एक आध स्कॉर इधर आएगा जिनसे अपनी फाइट होगी और मज़ा आएगा भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ लाइक बढ़िया होगा आगे क्योंकि अपने हाथ में है M249 और जो चीज़ होने वाली आगे मतलब देख के आपको इतना मज़ा आएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एक स्क्वाड आएगा तो जो आप इमेजिन कर रहे थे अगर थोड़ा बहुत वैसा हो जाए तो आप सोचते कि पूरा वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि भाई पूरा स्क्वाड है यहाँ पर, इसलिए हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे। अब यहाँ पर हम दोनों के पास जो है आइस वॉल थी तो दोनों के दोनों हम क्या करते आइस वॉल बनाते हैं और मैं यहाँ पर आइस वॉल बना के मेरे टीममेट को जो ऊपर चढ़ा दिया। एक बंदा लेफ्ट से आया था और राइट से भी फुटस्टेप आ रहा था, हमको लगा कि भाई दो बंदे यहाँ पर, एक लेफ्ट से एक राइट से। फिर हम जो है धीरे धीरे वॉल बनाते, एक वॉल में बनाता हूँ, एक वॉल में टीममेट बनाता है। अब यहाँ पर टीममेट बोलता है कि आगे डिब्बे के पीछे ही बंदा, तो यहाँ पर आगे आता हूँ और बंदा करता है पुश। ये देखो क्या हुआ, तो यहाँ पर बाद में पता चलता भाई एक ही बंदा है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कई कई बार भाई क्या होता है ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके जाते हो, बिना दिमाग से खेलते हो, बंदा कैंप करके आपको नॉक फिनिश सब कुछ कर देगा, फिर बाद में पछताते बैठोगे। अब यहाँ पर जो सीन हुआ है ना वो देख के आपको मैं बता रहा हूँ ना मज़ा नहीं आया ना, तो डिसलाइक कर देना इस वीडियो को, बस देखते जाओ। बस जो स्क्वाड वाइप आपके भाई ने यहाँ पर किया है वो देख के आपको मज़ा आने वाला है। और एक कमेंट मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, भाई क्या ही गलत निपटाया यार इन स्क्वाड को। अब यहाँ पर एक और टीम थी जिसने हमें जो एक थोड़ा बहुत डैमेज दिया, तो यहाँ पर आते हैं M249 को सबसे पहले रिलोड करता है क्योंकि M249 आपको पता है भाई बीस्ट है, बीस्ट बेस्ट नहीं है, बीस्ट है, खतरनाक गन है बिल्कुल। स्क्वाड में तो ये गन होनी चाहिए आपके पास, लाइक सोलो खेल रहे हो तो MK रखो, स्क्वाड खेल रहे हो तो M2 रखो, तो ये जो सीन है ये बहुत सही होता है। यहाँ पर एक वॉल बनाता हूँ मैं ताकि मुझे पता चले थोड़ा आगे जाके कि बंदे कहाँ से फायर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चलता है। तो हमें लगा यहाँ पर कि भाई एक आध बंदा होगा जो पेट्रोल पंप से उंगली कर रहा होगा, तो जाके घुस के उसको मार देते क्योंकि अपने पास है M249, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को दिक्कत नहीं आएगी। एक आध बंदे को तो अपन ऐसे ले लेंगे यार, M249 अपने पास। लेकिन भाई जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, बंदा तो कोई और से निकला भाई। तो यहाँ पर मैं टीममेट वापस गाड़ी घुमाता है और गाड़ी रोकता है पेट्रोल पंप के पीछे जो दीवार है, यहाँ पर गाड़ी रोक देता है वो रहे सामने। अब यहाँ पर मैं बंदों को देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे बंदा स्पॉट नहीं होता है। लेकिन भाई तभी कुछ एक और अलग सीन हो जाता है, यहाँ पर बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हमारे आ गए, मतलब जो बंदे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए और पीछे आपने देखा होगा कि हमारे लग गए, पीछे एक और गाड़ी आ गई है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर जो है हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमको क्या करना था कुछ भी करके हमें जो है इस कंपाउंड की वॉल के अंदर या फिर वॉल के थ्रू हमें जो है पेट्रोल पम्प के अंदर घुसना चाहिए था क्योंकि हम देखो किस कवर में रुके हैं और इस कवर में रुकने के बाद हमारा क्या सीन होता है। अब यहाँ पर बस वॉल पे वॉल बनाए जाओ क्योंकि दो स्क्वाड हमारे ऊपर फायर करे जा रहे और हम बिल्कुल ओपन में बीच में दीवार बना बना के फंस चुके हैं। ये देखो, और दीवार भी ऐसी कि वो फूट जा रही है। अब देखना भाई यहाँ पर कैसे एम्प्टी हो जाता है सब कुछ। ये देखो, ओ भाई गलत। अब यहाँ पर मेरा टीममेट जो है नॉक हो जाता है, तो मैं मेरे पास बुलाता उसको और इसको बचाने के चक्कर में देखो क्या सीन हो जाता है। ओ भाई साहब, चलो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्क्वाड वाइप से वो पसंद आए होंगे, मैं जो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, उसी के साथ साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।